खटवी शक्ति बनने अटका गलत बताओ। और ये बात हम उनके लिए बोलते जो अधर्मी होते, हम हमेशा बोलते हैं जो राम का नहीं उनकी छठरी भरे और जो राम का हो उनके घर पर उजेला हो। और गुरु का काम है सावधान करना, राधे राधे कहने से धर्म नहीं बचना है श्रीमान, ताली बजाने से कृष्ण की कथा से धर्म नहीं बचना है, माला के साथ साथ भाला की भी हिंदुओं को जरूरत है। सनातनियों को माला के साथ साथ भाला की भी जरूरत। और सुनिए, जिन्होंने कहा केवल हमने भर ऐसे शब्द नहीं बोले, रामायण में गोस्वामी जी ने भी देवताओं को गरियाया है। रामायण में गोस्वामी जी ने मानवों को गरवाया, गाली दी। रामायण में गोस्वामी जी कहते जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग अहि भवन समाना, सांप के बामी के समान सच कहा मूर्ख कहा। रामायण में गोस्वामी जी ने उनको कहा जो राम का नहीं है, तो ये बात वही बोलेंगे या आलोचना वही करेंगे जो रावण के खानदान के होंगे। और दूसरी बात, जितने भी ये बात या पोस्ट कर रहे थे, चाहे वो यहाँ के रहने वाले हो चाहे वो कोई कथा व्यास हो, इसमें एक कथा व्यास एक दो नाम नहीं हम लेंगे, हम प्रार्थना करें, बोलना नहीं चाहिए पर हम प्रार्थना करें, तुम्हारे बाप में दम हो तो वेब सीरीज का विरोध करो तब जाने, तुम्हारे बाप में धर्म दम हो तो अधर्म का विरोध करो। जो हिंदू धर्मांतरण कर रहे हो, जो धर्मांतरण करवा रहे हो उनके लिए पोस्ट लिख के बता, अगर तेरे बाप में दम हो तो जाने, उनके लिए तो तेरा बाप मर गया। बागेश्वर सरकार ने कह दिया कि जो राम का नहीं उनकी ठटरी भरे, तो तुझे पोस्ट याद आ गई न कटा, आदि के लगे लुअर के लाए, तेरे बाप में दम हो तो लगा पोस्ट वेब सीरीज आश्रम फ्री के खिलाफ, हम तुझे बहादुर मानेंगे। कौन चलूंगे तुझे, सनातन धर्म भर दिखता है घूम के तू, सनातन धर्म भर दिखता है। और आज तक तुमने नशा के लिए पोस्ट नहीं डाली, दारू बंद हो, आज तक तुमने उनके लिए पोस्ट नहीं डाली जो हजारों हिंदुओं का धर्मांतरण कर दे। और अगर हमारे ठटरी भरे कहने से धर्म बच रहा, धर्मांतरण बच रहा, तो बाप के कॉल आए तो लिखत रहिए, और हम जब लो जीवी हम कात रहेगी। ये हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें धर्म के खिलाफ एक अक्षर भी पसंद नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा जीवन सनातन के लिए है। और हमने कभी भी व्यासपीठ से अपने श्रोताओं को नहीं कहा, हमारे बागेश्वर धाम के या सनातन धर्म के जितने लोग हैं उनको हमने यही कहा, ये हमारे सिरमौर हैं सनातन धर्म और हमारे बागेश्वर के श्रोता। सनातनियों को लिए हमने आज तक नहीं बोला, हमने बोला हाँ बोला, और बोलते हैं उनको बोलते जो नशा करते, उनको बोलते जो मदरा पीते, उनको बोलते जो राम का विरोध करते, उनको बोलते जो राम की चर्चा नहीं करते, उनको बोलते जो कथाओं का विरोध करते, संतों का विरोध करते, हम उनकी ठटरी बारही मन सकते और फिर बारही तो बात के कोला जो करने सो कल। और एक और सुनो, भोपाल के एक संत हुए, संत श्री हिरद राम बाबा, बैरागढ़ भोपाल के हिरद राम बाबा हुए, जिन्होंने दर्शन किए होंगे, वो जब भी निकलते, हम तो बुंदेलखंड का भावनात्मक शब्द, नकटा कोई गाली है क्या, जवाब दीजिए, नकटा कोई गाली है, ठटरी भरे कोई गाली है, दाई मताई गाली है, लेकिन संत हृदयराम बाबा तो दाई मताई करते और लोग उन्हें आशीर्वाद स्वरूप मानते थे, लेकिन वो संत हैं, हम मानव हैं, हम साधारण हैं, उनकी बात चल गई, लेकिन भैया हम ठटरी वरो ना छोड़ भी, हाँ जो ना हम छोड़ भी। और बात, एक बात और, जितने हमारे बच्चों को बड़ा दुख लगा, हमें पता लगा कि हमारे बच्चों को बड़ा दुख लगा जब उन्होंने किसी ने बोला, तो बच्चे सब दुखी होते बागेश्वर, बच्चों एक बात और,
उनको बोलना बागेश्वर धाम से लगभग 70 कन्याओं के, गरीब कन्याओं के विवाह है, तब तुम आओ, बाप मर गए तो बाप पोस्ट का ही नहीं डालना। बागेश्वर धाम पर हर महीने 1,00,000 भक्त निःशुल्क भंडारा पाते हैं, वो पोस्ट क्यों नहीं डाली। बागेश्वर धाम पर कम से कम 100 मुसलमान परिवारों ने सनातन धर्म स्वीकार किया, तब आपने पोस्ट क्यों नहीं डाली। तब तुम मर गए थे का, तब तुम्हारी खटरी कायनी बरी, कायनी बरी पूछता है भारत। बताओ तब कहां थे। और एक बात, हम उस सनातन धर्म के गुरु परंपरा के हैं, ये पूरा बागेश्वर परिवार उस परंपरा का है, जिसमें एकलव्य जैसे महापुरुष ने अपने गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था, और कोई गुरु अगर व्यास गद्दी से धर्म को समझाने के लिए अगर ऐसे तीक्ष्ण शब्दों को बोले तो वो तुम्हारे लिए आशीर्वाद है, अपितु श्राप नहीं है। और बात, सनातन धर्म के लिए वर्तमान में पतन का मूल कारण भी कुछ इन जैसे दोगले हिंदू हैं। आपको बोलना तो इन धर्मांतरण को रोकिए, आपको बोलना तो छत्तीसगढ़ का बाकिया बोलिए। एक छत्तीसगढ़ में गांव है जहां पर आप टीका लगा करके नहीं जा सकते, वहां नीले रंग का टीका लगा करके प्रवेश मिलता है, क्यों नहीं बोला आपने? क्यों आपकी क्रांति नहीं जगी? और हम तो छतरी बारहित हैं, जबलो जीवी बारत वह भी उनकी जो राम के नहीं भाया, जो राम के हैं वो हमारे सिरमौर हैं और हमारे सिर पर बैठते रहेंगे, और हम उनके चरणों की धूली भी नहीं जो राम के हैं। पहले कोई कथा व्यास होंगे जो व्यास गद्दी से ऐसे बोलते होंगे, वो हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें अपने सनातनी प्यारों पर भरोसा है, हमें अपने धर्म पर, अपने देश के महापुरुषों पर भरोसा। और दूसरी बात, जिन्होंने भी कहा बच्चों तुम बुरा मत माना करो, धीरे से कह दिया करो, सेम टू यू, कोई अगर कुछ बोले तुम बुरा मत मानना, कोई जवाब नहीं देना, हम अकेले काफी हैं जवाब के लिए, लेकिन तुम तो धीरे से बोल देना सेम टू यू। बजट खत्म। तो जो राम का नहीं, जो कन्हैया का नहीं, जो श्याम का नहीं, तो श्रीमान हम आपको बात बता रहे थे कि आजकल लोग बिना विचार के कुछ भी कुछ भी कुछ भी, अरे व्यास गद्दी की मर्यादा है, और जब तक व्यास गद्दी से चेतना की बात नहीं चलेगी, समाज हित की बात नहीं चलेगी, सनातन की बात नहीं चलेगी, अगर आप हम अभी नहीं बोलेंगे, नहीं चलेंगे, तो कल कथाएं नहीं होगी। कल सुंदरकांड के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी शासन से, इतना विधर्म बढ़ जाएगा, किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा। हाँ, हमारा मुंह गंदा हो सकता है, लेकिन हम कन्हैया से हमेशा कहते ठाकुर व्यासपीठ से वही बुलवाना जिससे सनातन धर्म का कल्याण हो। यहाँ बुद्धिजीवी भी बैठे, बड़े बड़े पत्रकार बैठे, क्या ये गलत था? क्या ये गलत है? आप सब बुद्धिजीवी हैं और समाज बुद्धिजीवियों का है, लेकिन ये कुछ जो दोगले होते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं। खैर छोड़ो, हम यही कहेंगे सेम टू यू प्यारे, आपका आपको मुबारक हो। साधु चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा।